शिवा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा का वफाकी आलात से टिकटॉक को हटाने का फैसला। हुकाम का कहना था कि ऐप प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हवाले से नाकाबिले कबूल खतरे की निशानदही करती है। टिकटॉक के तर्जुमान का कहना है कि कंपनी कैनेडियन हुकूमत के इस फैसले से मायूस है। कनाडा के शहर टोरंटो में पीर के रोज होने वाली शदीद बर्फबारी, माहरीन ने शहर में एक और तूफान की पेशनगोई कर दी। शदीद बर्फबारी के बाद शहरी हुकूमत की शहरियों से मोहतात रहने की अपील। कैनेडियन वजीर आजम अपनी जमात के एमपी की हिमायत में सामने आ गए। ट्रूडो का कहना था कि चीनी कौंसल खाने ने एमपी हान डोंग के लिबरल पार्टी का उम्मीदवार बनने में कोई मदद नहीं की। कैनेडियन खुफिया एजेंसी का काम नहीं है कि सियासी जमातों को कोई हुक्म दे। मिस्र और अमेरिका की सालिसी में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन मुहैदा तय पा गया। इसराइल आइंदा 6 माह तक किसी भी नई बस्ती की आबादकारी की मंजूरी नहीं देगा। मुहैदे के एक रोज बाद इसराइली आबादकारों का हमला, 350 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। अमरीकी वजीर खजाना का कीव का अचानक दौरा। यूक्रेनी सदर समेत आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें। ज़ेलेंस्की का एक बार फिर इत्यादियों से जदीद जंगी तैयारी भेजने का मुतालबा। यूक्रेनी सदर का कहना था कि बाकूमत की सूरत हाल ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ki wafaqi hukumat security wajuhat ka hawala dete hue tamam wafaqi hukumat ke alat se video sharing platform TikTok ko hata rahi hai aur block kar rahi hai. मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए तमाम वफाकी हुकूमत के आलात से वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक को हटा रही है और ब्लॉक कर रही है। कैनेडियन हुकूमती तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि यह फैसला कनाडा के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के जायजे के बाद किया गया है। ऐप प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हवाले से नाकाबिल कबूल खतरे की निशानदही करती है। हुकाम का कहना है कि कनाडा की हुकूमत खतरात और कमजोरियों की निशानदही करके हमारे नेटवर्क्स की बशमूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम करती है। हुकूमत सूरत हाल की निगरानी जारी रखेगी और हमारे सिस्टम्स और नेटवर्क्स पर मालूमात को महफूज रखने के लिए शराकत दारों के साथ मिलकर काम करेगी। ख्याल रहे कि अमरीकी वफाकी मुलाजमीन और कई अमरीकी यूनिवर्सिटियों ने गुज़िश्ता साल के आखिर में अपने नेटवर्क्स पर ऐप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी थी। भारत और कई दूसरे एशियाई ममालिक में भी पाबंदियां लागू की गई हैं। टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया लैब के महक्कीकीन के एक हालिया सर्वे के मुताबिक कनाडा के तकरीबन 1/4 नौजवान ऐप का इस्तेमाल करते हैं। कनाडा के ट्रेजरी बोर्ड के सदर मोना फोर्टियर ने एक बयान में कहा कि हुकूमत सरकारी मालूमात को महफूज रखने के लिए पुरअज़म है और ऐप को इस हफ्ते हुकूमत के जारी करदा फोन्स और दीगर आलात से हटा दिया जाएगा और मुस्तकबिल में इसे डाउनलोड करने से रोक दिया जाएगा। दूसरी जानिब टिकटॉक के तर्जुमान ने कहा कि कंपनी कैनेडियन हुकूमत के इस फैसले से मायूस है। कनाडा के शहर टोरंटो में पीर के रोज होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद माहरीन ने शहर में मौसम सरमा के एक और तूफान की पेशनगोई की है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में पीर के रोज होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद माहरीन ने शहर में मौसम सरमा के एक और तूफान की पेशगोई की है। माहरीन मौसमियात का कहना है कि शहर में कुछ इलाकों में मौसम सरमा की बर्फबारी के साबका रिकॉर्ड टूट सकते हैं। माहरीन का कहना था कि कंप्यूटर मॉडल्स जुमे की शाम तक जनूबी ऑन्टेरियो और GTA में टेक्सास की कम ट्रैकिंग दिखा रहे हैं,
लेकिन एन ट्रैक के लिहाज से अभी भी तगैयर बाकी है। ये बारिश की किस्म और शिद्दत का तायुन करने में कुलीदी हैसियत रखता है। टोरंटो में बर्फबारी के बाद शहरी हुकाम रिहायशियों से मोहतात रहने की अपील कर रहे हैं। मखलूत बारिश मुमकिन तौर पर बर्फ के गोले समेत रात भर की पेशगोई में थी, लेकिन मंगल के अवाइल तक हल्की बर्फबारी बूंदाबांदी या जमने वाली बूंदाबांदी की तवक्को थी। पीर की सुपहर को मौसम सरमा की ताज़ाकारी में शहर ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो गाड़ी चलाने के बजाय पब्लिक ट्रांजिट लें। इसमें कहा गया है कि अगर लोगों को सड़कों पर निकलना है तो वो हालात का जायजा लें और सड़कों पर फिसलन की तवक्को करें। शहरी हुकाम का कहना था कि लोगों को गाड़ी चलाने की रफ्तार कम करनी चाहिए, महफूज फासले पर चलना चाहिए, पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों पर नजर रखना चाहिए और हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, खास तौर पर जब ट्रांजिट स्टॉप और चौराहों के करीब पहुंचे। वफाकी मौसमियाती इदारे ने कहा था कि बर्फबारी होने और उड़ाने की सूरत में हद निगाह कम हो जाएगी। पेशन गोई ने टोरंटो में 60 किलोमीटर फी घंटा तक तेज मशरकी हवाओं के झोंकों और मंगल को 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरबी हवाओं का भी मुतालबा किया। एनवायरमेंट कैनेडा का कहना था कि मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से सफर खतरनाक हो सकता है, फौरी तौर पर बदलते हुए और बिगड़ते हुए सफरी हालात के लिए तैयार रहें, बदलते हुए सड़क के हालात के साथ अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म अपनी जमात के एमपी की हिमायत में सामने आ गए। उनका कहना था कि लिबरल एमपी हांडोंग कैनेडा के वफादार हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म अपनी जमात के एमपी की हिमायत में सामने आ गए। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि लिबरल एमपी बानडोंग कैनेडा के वफादार हैं। उन्होंने पीर को एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में उनका दिफा किया, जिसमें कहा गया था कि 2019 में टोरंटो के इलाके में पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए चीनी कौंसल खाने ने उनकी मदद की थी। ट्रूडो का ये भी कहना है कि ये कैनेडा की जासूसी एजेंसी पर मुनहसर नहीं है कि वो सियासी जमातों को हुक्म दे जो इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं या नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते एक मीडिया रिपोर्ट में गुमनाम ज़राए का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया गया था कि कैनेडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने लिबरल पार्टी के सीनियर अमले से डोंग की नामजदगी को मंसूख करने पर जोर दिया था, लेकिन ट्रूडो ने उनकी उम्मीदवारी की मंजूरी दे दी। कैनेडा के इंतखाबात में चीनी मदाखलत के बारे में रिपोर्ट और दीगर ने अपोजिशन जमातों को गैर मुल्की इंतखाबात में मदाखलत के बारे में अवामी तहकीकात का मुतालबा करने पर मजबूर किया है, जिसे ट्रूडो ने मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल का बराह रास्त जवाब नहीं दिया कि आया CSIS ने लिबरल पार्टी को 2019 के इंतखाबात से कबल चीन के साथ डोंग की मुबैना शमूलियत के बारे में खबरदार किया था। ट्रूडो का कहना था कि आज़ाद जमहूरियत में ये गैर मुंतखब सिक्योरिटी अहलकारों पर मुनहसर नहीं है कि वो सियासी जमातों को हुक्म दें जो चल सकती हैं या नहीं। ये वाकई एक अहम उसूल है। ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसियों की महारत पर इन्हिसार करती है, जिनका मकसद जमहूरी अमल की हिफाजत करना है, लेकिन उन्होंने इंतखाबात में उनके किरदार के बारे में खबरदार किया। उन्होंने कहा कि डोंग एक हमारी टीम का शानदार रुकन है और मजीद कहा कि उन तजावीज़ पर गौर नहीं किया जाना चाहिए कि वो किस तरह कैनेडा के वफादार नहीं हैं। मगरबी किनारे के कस्बे हवारा में दर्जनों इसराइली आबादकारों ने घरों और कारों को नजर आतिश कर दिया, जिसके नतीजे में 350 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मिस्र और अमरीका की सालिसी में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन मुहिदा तय पा गया। मगरबी किनारे के कस्बे हवारा में दर्जनों इसराइली आबादकारों ने घरों और कारों को नजर आतिश कर दिया, जिसके नतीजे में 350 से ज़ायद फलस्तीनी ज़ख्मी हो गए। कबल अज़ी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान मुहिदा तय पा गया, जिसके तहत इसराइल आइंदा 6 माह तक किसी भी नई बस्ती की आबादकारी की मंजूरी नहीं देगा। उर्दन में होने वाले मुज़ाकरात में इसराइल और फलस्तीनी हुकाम ने मुल्क में बढ़ते हुए तशद्दुद को कम करने के लिए मुश्तरका इकदामात पर अमल दरामद का अहद भी किया और रमज़ान में होने वाली मुमकिना कशीदगी से निमटने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुहिदे में ये तय भी पाया है कि 4 माह के लिए किसी भी नए सेटलमेंट यूनिट्स के क़याम पर बातचीत नहीं होगी, जबकि इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तामीर को 6 माह के लिए रोकने पर रजामंदी जाहिर की है। याद रहे कि माह रमज़ान में दुनिया भर से मुसलमान बड़ी तादाद में इबादत के लिए मस्जिद अक्सा आते हैं, इसलिए आखिरी अशरे में यहूदियों के दाखिले पर पाबंदी होती है। ताहम इंतहा पसंद यहूदी इस पाबंदी को तस्लीम नहीं करते और मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, जिससे कशीदगी और तनाव में इजाफा हो जाता है। मकबूजा मगरबी किनारे में तकरीबन 29 लाख फलस्तीनी और एक अंदाजे के मुताबिक 4,75,000 यहूदी आबादकार आबाद हैं, जो आलमी कवानीन के तहत गैर कानूनी समझी जाने वाली बस्तियों में रहते हैं। एक इसराइली फौजी अहदेदार ने कहा कि 300 से 400 लोग बदला लेने के लिए इलाके में गए। उन्होंने वजाहत किए बगैर इलाके में इंतशार को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि इसराइल और फलस्तीन ने यकसां तौर पर एक मुस्तहकम
और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आने वाले हफ्तों और महीनों में बहुत कुछ करना है, जिसके लिए फरीकैन ने अगले माह दोबारा मुलाकात पर भी इत्तेफाक किया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने भी एक बयान में कहा कि अमरीका के नज़दीक इसराइल और फलस्तीन के हुक्काम की मुलाकात और मुहादे पर इत्तेफाक को मुस्तहकम अमन का नुक्ता आगाज तस्लीम करता है। यूक्रेनी सदर ने दावा किया है कि रूसी सदर पुतिन को एक दिन इन्हीं के हल्का अहबाब में से ही कोई कत्ल कर देगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को एक दिन उनके हल्का अहबाब में से ही कोई कत्ल कर देगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मशरकी फ्रंट लाइन पर वाकिया शहर बाखमूत की सूरत हाल ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। दुश्मन मुसलसल हर उस चीज को तबाह कर रहा है जो हमारी पोजिशन की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो सकती है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक एक साल कबल रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से होने वाली कुछ शदीद तरीन झड़पें यूक्रेन के डोनेस्टिक के इलाके बाखमूत में हुई हैं और बाखमूत का कुछ हिस्सा रूस और उसके अलहदगी पसंद इत्तेहादियों के कंट्रोल में है। हालिया सूरत हाल के बारे में बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने कौम के साथ अपने खिताब के दौरान एक बार फिर अपने मगरबी इत्तेहादियों से जदीद जंगी तैयारे भेजने का मुतालबा किया है ताकि मुल्क के तमाम इलाकों को रूसी हमलों से बचाया जा सके। यूक्रेनी सदर ने बाखमूत में रूसी फौज का मुकाबला करने वाले फौजियों को खराज तहसीन भी पेश किया। ख्याल रहे कि रूसी अफवाज 6 माह से बाखमूत पर मुकम्मल कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कबल अजीं अमरीकी वजीर खजाना येलन ने कीव का अचानक दौरा किया है और ज़ेलेंस्की समेत दीगर आला सरकारी हुक्काम से मुलाकातें की हैं और उन्हें यकीन दिलाया है कि अमरीका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। जेंट यूलन का कहना था कि अमेरिका यूक्रेन को 1.2 बिलियन डॉलर की इमदाद मुंतकिल कर रहा है ताकि कीव को रूसी हमले के खिलाफ मज़ाहमत में मदद मिल सके। इलावा अजी अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले ने आज दुनिया में इंसानी हकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियों को जन्म दिया है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को एक दिन उनके हल्का अहबाब में से ही कोई कत्ल कर देगा। दस्तावेजी फिल्म के एक मौके पर ज़ेलेंस्की ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि रूसी सदर पुतिन की लीडरशिप में कमजोरी उनके करीबी साथी को इस बात पर उकसाएगी कि वो उनके खिलाफ कोई इकदाम उठाएं। मज़कूरा डॉक्यूमेंट्री रूस के यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग के 1 साल मुकम्मल होने पर रिलीज की गई है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान अदीबा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।